अस्सलामुअलैकुम। आज जो है वो हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 9 है। आज जो है वो हमारी क्लास नंबर 9 है। क्लास 8 तक हमने सीखा था एनालॉगस कलर के बारे में, ठीक है जी, कि कलर व्हील के जो आसपास के जो कलर्स होते हैं वो एनालॉगस कलर्स कहलाते हैं। यहाँ तक हमारी 8 क्लास का टॉपिक ख़त्म हो गया था, ठीक है। आज जो है हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिर मैंने आपको स्मोकी आइज़ बताई थी पेपर पर ही, और पेपर पर ही मैंने आपको हेलो आइज या हालो आइज कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आज जो है वो हमारा डे है 9, मीन आज हमारी 9 नंबर की क्लास है, ठीक है, नवी क्लास है आज की हमारी। अच्छा, इस क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कहलाती है जो ये क्लास है, आज की जो क्लास है, क्योंकि हम चूंकि जब तक कि हम कलर व्हील को नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। जब आप एक कलर व्हील को समझ लेते हो, ठीक है, ये पूरा एक कलर व्हील है, जब आप इसको समझ लेते हो आपको पता होता है कि आपकी जो क्लाइंट है जब वो जो भी ड्रेस पहन कर आई है उसके साथ आप किस तरह का मेकअप दे सकते हो, आपके जेन में फ़ौरन आ जाएगा, आपको मुश्किल नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है जी। चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन लाजमी दबाइए। और एक शिकायत मुझे आप लोगों से है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। 1 मिनट लगता है और आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, और आपकी तरफ से एक प्यार होता है जो मुझ तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। तो इसलिए हम आपको कलर व्हील की थ्योरी ही समझा रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि अब जो है ना वो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं एक दूसरे के जो मतलब जैसे अब पर्पल के सामने जो कलर आ रहा है वो कौन सा कलर है? वो है येलो कलर। पर्पल के सामने येलो कलर आ रहा है, ये देखिए आपके सामने है, ठीक है। ब्लू के सामने ऑरेंज कलर आ रहा है, ठीक है। रेड के सामने ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है। तो मींस के आपने ये वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो कलर कहलाते हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हो, ठीक है। मींस के अब इसके सामने येलो आ रहा है और पर्पल के सामने ये ब्लू के सामने ऑरेंज आ रहा है, इसके अलावा रेड के सामने ग्रीन आ रहा है, ठीक है, आपको समझ आ गई। अब इसमें डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, सी ग्रीन, इस तरह के ग्रीन, आपने इस कलर के साथ खेलना किस तरह से है वो, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया कि ब्लू के सामने ऑरेंज आ रहा है, रेड के सामने ग्रीन आ रहा है, पर्पल के सामने येलो आ रहा है, ठीक है। या मैंने एक छोटा सा आपको बना के भी दिखा दिया कि मतलब अगर आपके सामने एक आई आती है तो आप उसके आउटर जो कॉर्नर होता है, ठीक है, ये हमारा आउटर कॉर्नर है, ठीक है। आउटर कॉर्नर पे आपने देना है जी डार्कर कलर, और इनर कॉर्नर पे आपने देना है लाइटर कलर, ठीक है जी। सेम इसी तरह से जब आप एक हेलो आइज बनाते हैं, मीन हालो आइज बनाते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है जी कि उसको क्या करना है जी, बाहर की जो दोनों साइडें हैं उस पे आपने यानी इन इस साइड और इस साइड एक ही सेम कलर लगेगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी पेपर पे बताया है, ठीक है। और मिड में जो है वो हम लगाएंगे येलो कलर, और जैसी बात है जो गोल्डन है वो भी येलो की ही थीम में आता है, ठीक है। इस तरह से करके आप एक मेकअप को दे सकते हो। इसके अलावा जो डिफरेंट है तरीकेकार वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। इस तरह से करके आपने कलर व्हील को लेकर चलना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो आपके सामने जो है वो मैं इस पे अपनी जो है वो एक आई शेप बना के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है जी। ये मैं अभी आपके सामने जो है वो एक आईब्रो की एक शेप दे रही हूँ इजीली करके। ट्यूटोरियल जो है वो मैंने बनाया है, उसमें आपको बेस और इसके अलावा जो है वो आपको उसमें मिल जाएगी आईज मेकअप बहुत अच्छा, ठीक है। और एजेड स्किन है उनकी थोड़ी सी, तो उसके ऊपर जो है वो किस तरह से बेस बनती है वो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने सोचा कि मैं पूरी आँख जो है वो करूँ ऑरेंज, और आइस का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको भी, यानी अब मिसाल के तौर पे मैंने लाइट ऑरेंज लगाया, थोड़ा डार्क ऑरेंज लगाया, उससे थोड़ा डार्क ऑरेंज लगाया, और आइस के जो नीचे वाला हिस्सा है उसके अंदर जो है वो मैंने ब्लू शेड लगा दिया, ठीक है जी। एक तो ये भी हो सकता है। अब सबसे पहले यहाँ देखिए एक ये लाइट सा ऑरेंज कलर है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे उसको अपने इनर एरिया पे लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ये देखिए ऑरेंज शेड को मैंने लिया यहाँ रखा, और उसके बाद मैंने इसको अपने जो है वो इनर आइज पे लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर अभी हम लेंगे, ठीक है, और इस तरह से करके ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री शेड बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ एक डार्क ऑरेंज कलर है, ठीक है। आपने लाइट लेने के बाद आगे उसको डार्कर के साथ मिक्स कर लेना है, ठीक है जी।
इस तरह से करके, ये देखिए पहले हमने लाइट लिया था, उसके बाद हमने थोड़ा डार्कर शेड लिया, ये देखिए इस तरह से करके, ठीक है जी। ये ठीक है, ये हमारा लाइट हो गया, साथ थोड़ा डार्कर हो गया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी जो कलर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं वही कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं, ठीक है। और किसी ने ब्लू ड्रेस पहना है तो आप उसके ऊपर भी इस तरह से मेकअप कर सकते हैं, किसी ने ऑरेंज ड्रेस पहना है तो आप उसके ऊपर भी इस तरह से मेकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लू की तरफ, ठीक है। अब चूंकि हमारा आउटर कॉर्नर है ना, तो हमने उसको ब्लू देना है, क्योंकि वो डार्क होता है हमेशा, जो हमारा आउटर कॉर्नर। ये देखिए इस तरह से करके आपने डार्क कलर लेना है ब्लू, ठीक है। और उसको जो है वो आपने, और हमेशा ख्याल करें कि जब आप दो कलर लाइट लगा रहे हो, तीसरा कलर डार्क लगा रहे हैं, आप ब्रश को चेंज करें, ठीक है, क्योंकि फिर वो कलर कलर से मैच होके कुछ और बन जाता है, ठीक है जी। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप ऊपर कोई भी अपना जो क्रीज एरिया पे कलर है वो दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ ये वाला कलर लिया है, ठीक है, ये क्रीज एरिया पे आप दे सकते हो, ओके। और इसको जो है वो आपने अच्छी तरह से मैच कर लेना है, ठीक है, इकट्ठा मर्ज कर लेना है इनके साथ ही, कि वो अलग अलग ना लगे। मीन्स कि आप इस तरह से करके एक थीम पूरी दे सकते हो कलर्स की, ठीक है। और मैं लाइनर लगा के भी आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट जो है वो मैं आईलाइनर लगा रही हूँ आपके सामने, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि साथ साथ मैं आप लोगों के साथ जो है वो ट्यूटोरियल भी शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह एक ट्यूटोरियल मैंने बना के रखा हुआ है, बस सिर्फ वॉइस ओवर रहती है, पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करना चाह रही थी बहुत डिटेल में ना, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देख लीजिए इस तरह से करके आपने जो है वो जनाबे अली जी अपना लाइनर दे देना है, ये देखिए। तो आज जो है वो हमने क्या सीखा कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन कौन से होते हैं। मीन्स कि जब आपके पास कोई कोई भी मॉडल या कोई भी मेकअप क्लिक आएगा, आप उसके ड्रेस के अकॉर्डिंग उसका मेकअप इजीली आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो हाथ पे समझाने का मकसद ये था कि मैं अगर पेपर पे बताती तो शायद उस तरह से आपको इजीली समझ में ना आता। मीन्स कि आपके उसको मुख्तलिफ तरीके से इन कलर से आप खेल सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ बस बता दी गई तो आपने उसी थ्योरी के मुताबिक ही उस चीज़ को करना है। नहीं, आप उसके अंदर अपने तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें करके, पूरी अगर ऑरेंज देना चाह रहे हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा ब्लू देना, तो आप आइस का जो जो हमारी नीचे वाला हिस्सा होता है आइस को बड़ा दिखाने के लिए, उस हिस्से में भी आप वो कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। और इट्स अप टू यू कि आप यहाँ सिल्वर लगाना चाहते हैं तो सिल्वर लगाएं, और गोल्डन लगाना चाहते हैं तो गोल्डन लगाएं, ठीक है जी। मैं यहाँ इस वक्त थोड़ा सा गोल्डन शेड ले रही हूँ और उसको जो है मैं आपके सामने लगा रही हूँ, ठीक है जी। ये देख लीजिए ये, और इसी तरह से ही आपने इस एरिया पे भी देना है, ठीक है। तो ये हमारी आईज का एक पूरा एक मुकम्मल एक कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो बन गया, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। तो अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो हम साथ साथ आपको आईज मेकअप भी बताते जाएंगे कि किस किस तरह से हो सकता है। अच्छा, इसके ऊपर ही आप जो है वो ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे तो आप जो है वो जो प्रेस ग्लिटर होते हैं, ठीक है, वो भी लगा सकते हो। प्रेस ग्लिटर किस तरह से लगा सकते हो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ एक गोल्डन प्रेस ग्लिटर है मेरे पास, ठीक है जी, वो मैंने थोड़ा सा लिया और इस तरह से करके आपने थोड़ा थोड़ा सा करके उसको जो है वो लगा देना है, ठीक है। उससे भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लुक आती है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से करके आपकी जो आईज़ है वो मज़ीद खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाएगी। ये देख लीजिए आपके सामने बाकायदा एक पूरी आईज़ की जो है वो एक शेप बन गई है आपके सामने, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये आपको लोकल मार्केट से आराम से 50-50 रुपीज़ के मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया जी हमारा कंप्लीट एक चीज़। अब हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे कि आपने किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो शेप्स देके इस मेकअप को करना है, ठीक है। मेरा मकसद आपको हर हर चीज़ बताना और समझाना होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब लिपस्टिक की तरफ, फिर हम उसके बाद ब्लश ऑन, हाइलाइटर और अपना जो है वो कंटूर वगैरह इन सब की तरफ आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लिप्स की तरफ आ जाते हैं। लिप्स जो है वो हमारे चेहरे का वो हिस्सा होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खास होता है और पूरा गेम चेंज हो जाता है इस एक एरिया से, ठीक है। तो इस पे जो है वो हम आप कर लेते हैं बात जनाब अली जी। यहाँ तक तो हो गया आपका ये मामला ख़त्म, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमारा आईज का हो गया, अब हम आते हैं लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक के बाद हम जाएंगे अपनी जो नोज कंटोरिंग है उसकी तरफ, उसके बाद हम फेस की कंटोरिंग पे आएंगे। मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताऊंगी,
आईब्रो को किस तरह से शेप दी जाती है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, लिपस्टिक जो है वो कौन से फेस पे, मतलब किस तरह की लिपस्टिक अच्छी लगती है। देखिए लिपस्टिक की दो तीन किस्में होती हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये है जी लिपस्टिक, ठीक है। इस तरह के फॉर्म में आपको लिपस्टिक मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, ये लिपस्टिक्स कहलाती हैं क्रीम फॉर्म वाली लिपस्टिक्स, ठीक है। मेरे पास हिमालयो कंपनी की है। अच्छा, इसी तरह से ये आपको मिल जाती है इस तरह की पैलेट, ठीक है। ये जो है वो मेरे पास है मिस रोज की पैलेट, ठीक है। बहुत मुनासिब, तकरीबन 500 रुपीज़ में आपको ये पूरी पैलेट मिल जाएगी, जिसमें आपको तकरीबन आई थिंक सो 15 कलर्स, जी, 15 कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सारे कलर्स इसमें मौजूद हैं। और मज़े की बात ये कि अभी मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कौन से शेड के साथ आपने कौन सा शेड मिला के लगाना है, तो क्या शेड बनेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक लिपस्टिक आपके पास मौजूद है तो आप बोलें भाई इसी से ही हो सकता है। एक लिपस्टिक से आप बहुत सारे लिपस्टिक्स बना सकते हो, लिपस्टिक से, पैलेट से बहुत सारे शेड बन सकते हैं। ये हो गया, ये कहलाती है क्रीम फॉर्म में, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा आपको इस तरह की लिपस्टिक्स मिल जाती हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, सही है। और ये लिपस्टिक होगी, सही है, ये मिल जाती हैं आपको। तो ये बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा मैट भी नहीं होती हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है मैट, ठीक है। लेकिन जो जो प्योर बिल्कुल मैट होती है ना, वो होते हैं ये लिप ग्लोजेस, ठीक है, कि इनमें बिल्कुल भी कोई शाइन नहीं होती। ये देख लीजिए, अभी थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और उतरेंगे नहीं ना। अब देखिए आपके सामने कि अगर मैं इन लिपस्टिक्स को उतारूंगी ना, तो ये लिपस्टिक्स उतर जाएंगी, ठीक है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये ग्लो सूखेगा और आप इसको उतारेंगे, तो ये नहीं उतरेगा, ठीक है। यानी कि लिपस्टिक जो होती है हमारी, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा 3-4 घंटे के लिए तो चल जाती हैं, लेकिन आपको अपने पर्स में रखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप किसी ब्राइड को तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो आपको लाजमी लाजमी फिर उसके बाद आपको मैट लिपस्टिक लगानी है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि फिर आपका अगर पूरे दिन का भी फंक्शन है, तो आपकी लिपस्टिक नहीं उतरती। अच्छा, एमिली की जो है ये बहुत प्यारे कलर है ना, लिप ग्लोजेस की बहुत खूबसूरत कलर है। मैं तो दो अभी लेकर आई, एक जो है वो 14 नंबर है, ये देख लीजिए, और एक जो है वो 19 नंबर है। दोनों ही जो है वो शेड बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इस तरह की भी बुलेट वाली जो लिपस्टिक्स होती है ना, वो भी आपको मिल जाती हैं। ये देख लीजिए, इस तरह की होती हैं, वो बुलेट लिपस्टिक्स कहलाती हैं ये। ये देख लीजिए, तो इसके साथ आपको जो है वो साथ पीछे इसके इस तरह का एक लाइन लाइन लगाने के लिए भी वो चीज़ मिल जाती है, और साथ जो है ना ये भी मुख्तलिफ कंपनीज में आती हैं, ठीक है। अब ये वाली कहलाती है बुलेट लिपस्टिक्स कहलाती हैं, ठीक है, और ये वाली जो है वो क्रीम लिपस्टिक्स कहलाती हैं, और ये वाले जो कहलाती हैं ये मैट लिपस्टिक्स कहलाती हैं, ठीक है जी। टोटल जो है वो हमारे पास इसकी होती हैं दो फॉर्म्स, ठीक है। एक होती है जी क्रीम फॉर्म, जो कि मैंने आपको बता दिया कि पैलेट में आती हैं, ठीक है। अच्छा, एक होती है आपके सामने, मैंने आपको बताया कि जो बिल्कुल मैट होती हैं, ठीक है ना, वो आपके सामने मैंने आपको बता दिया कि ग्लोजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बता दूं आगे चलकर कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास चीज़ जो मैंने आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे तैयार की है, ठीक है, कि स्किन कलर ऊपर लिखा है आपके, तीन ही तरह के स्किन कलर होते हैं, एक होता है फेयर, एक होता है मीडियम, एक होता है डार्क, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं अगर स्किन कलर की, तो स्किन कलर तो मैंने आपको ये तीनों बता दी है। अब मैं बात करती हूँ आपसे अंडरटोन की, मींस कि आपका, पहले में हम इस पे बात कर चुके हैं, हम फाउंडेशन को हमने अंडरटोन के हिसाब से चलाया, हमने जो है वो जनाब अली जी अपने मेकअप को जो है वो वार्म और कूल टोन के हिसाब से चलाया, ठीक है, कि कूल कलर्स क्या होते हैं, वार्म कलर्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको पहले कलर थ्योरी में बता चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो पुरानी वीडियोस आप जाकर चेक कर सकते हैं, जो अब तक क्लासेस डली हैं उन पे बाकायदा लिखा हुआ है कि वो किस किस चीज़ के लिए हैं, ठीक है, आप पढ़कर उनको देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूँ जनाब अली जी, अगर आपने पहना हुआ है एक जोड़ा जो कि है कूल टोन, ठीक है, तो जनाब अली आपने फिर उसके हिसाब से लिपस्टिक लगानी है, और आपने पहना हुआ है वार्म टोन, तो फिर आपने उसके हिसाब से लिपस्टिक लगानी है, और आपका अंडरटोन क्या है आपने उसके हिसाब से लगानी है। मैंने आपको बताया था कि आप अपनी वेंस को चेक करके पता लगा सकते हो कि आपका अंडरटोन क्या है। अगर आपका कलर फेयर है तो फिर आप लाइट ऑरेंज लगा सकते हो, पीच लगा सकते हो, न्यूड लगा सकते हो, ऑरेंज लगा सकते हो, ठीक है। और मींस कि अगर आपने कलर फेयर भी है और आपने जो है वो आप वार्म अंडरटोन है, और आपने ड्रेस भी उस तरह का पहना हुआ है, मेकअप भी उस तरह का किया हुआ है, और अगर आप कूल अंडरटोन है और आपका कलर फेयर है, तो आप लाइट पिंक लगा सकते हैं, पिंक लगा सकते हैं, लाइट प्लम कलर लगा सकते हैं, न्यूड पिंक लगा सकते हैं। ये मैंने आपके सामने एक चार्ट रख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आगे अपने पास रख भी सकते हैं,
और क्लास आपके पास मौजूद है, और इसके अलावा जब आपके पास नोट्स आएंगे तो उनमें भी ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपको पता है कि मीडियम अगर जो कलर है हमारा तो उसके ऊपर रेड ऑरेंज चल जाएगा अगर आपने वार्म टोन के कलर कपड़े पहने हुए और आपका वार्म अंडर टोन है। इसके अलावा जो है वो रेड ऑरेंज चल जाएगा, ऑरेंज चल जाएगा, रेड ब्राउन चल जाएगा, ठीक है, ऑरेंज चल जाएगा। इसमें अगर आपने कूल कलर पहना हुआ है या आप कूल अंडर टोन है तो पिंक है, रेडिश है, पिंक रेड है और वायलेट रेड है, ठीक है। इसके अलावा रेड ऑरेंज आप डार्क कलर के हैं तो रेड ऑरेंज है, रेड है, मरून है, डार्क रेड है, ऑरेंज है, प्लम वाइन अगर आप जो है वो कूल में आ जाते हैं, ठीक है, और डार्क पिंक है, रेड वायलेट है, ठीक है। स्किन कलर के अकॉर्डिंग आपने जो है वो अपने शेड्स को लेना है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको एक पैलेट दिखाती हूँ तो आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि इसमें ये भी एक ऑरेंज है, ठीक है, और इसके अलावा जी ये भी एक ऑरेंज है, ठीक है, और अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो जैसे कि ये पिंक है, साथ ही ये भी पिंक है, ये भी पिंक है, ये पर्पलिश है, ये भी थोड़ा पर्पलिश है, इसके अलावा ये पर्पलिश है, ये पर्पलिश है, और ये पिंक है, ये पिंक है। तो मीन्स के अब बहुत सारे कलर्स हैं जो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपने कलर टोन के अकॉर्डिंग, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लेने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है तो मैं आपको बता दूं, आगे वाले पेपर का मैं आपको समझाती हूँ कि देखें मिसाल के तौर पे आपके जो लिप्स हैं वो बड़े हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके जो लिप्स की शेप है वो बड़ी है, ठीक है। अब इतनी बड़ी लिप्स की शेप है और आप चाह रहे हैं कि मेरे जो लिप्स हैं वो स्मॉल लगे, अब इसके लिए आपको क्या करना है। और एक बंदा है जिसके लिप्स इंतहाई ज़्यादा पतले हैं, ठीक है, अब वो चाहता है कि उसके जो होंठ हैं वो मोटे लगें, तो उसके लिए उसको क्या करना है। देखें अगर तो आपके होंठ पतले हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, एक डार्क कलर का अपना ये लेना है, ठीक है, शेड लेना है, ठीक है। शेड लेने के बाद जनाब अली जी आपने क्या करना है, अब मिसाल के तौर पे मेरे लिप्स हैं बड़े, ठीक है, अब बड़े लिप्स हैं और इसके ऊपर मैं लिपस्टिक लगा दूंगी हल्के कलर की। मिसाल के तौर पे मैंने इसके ऊपर सोचा कि मैं लगा दूं ये वाला पिंक शेड, ठीक है। अब ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ पिंक शेड, तो ये कैसा लगेगा। मैंने इसके ऊपर ये वाला पिंक शेड लगा दिया, पेपर पे चीज़ सही चलती भी नहीं है उस तरीके से, ठीक है, ये पिंक शेड मैंने लगाया, इसको मैं फैलाने की कोशिश करती हूँ हाथ से भी पेपर से भी। तो अगर तो मैं ये वाला कलर लगाऊंगी अपने बड़े होंठों पे, ठीक है, तो मेरे होंठ मजीद बड़े लगना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो हमारे रूम का कलर, अगर रूम छोटा है और अगर हम उसके अंदर डार्क कलर कर देते हैं तो वो मजीद छोटा लगना शुरू हो जाता है। रूम अगर छोटा है और हम लाइट कलर लगाते हैं तो रूम बड़ा लगता है। सेम इसी तरह से ही होंठों का हिसाब ये कि अगर आप बड़े होंठों को छोटा दिखाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर डार्कर कलर लगाएंगे, ठीक है। डार्क कलर लगाने से क्या होगा, आपके होंठ जो है वो छोटे लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, यानी उनके ऊपर इस तरह की शेप आ जाएगी कि वो छोटे लगेंगे। इसके अलावा जिनके होंठ छोटे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा लाइटर शेड लगाएंगे, मीन्स उनको हमेशा हल्का रंग लगाना है। हल्के कलर से क्या होता है कि आपके जो होंठ है ना उनकी शेप बहुत ज़्यादा वाजिया नहीं होती, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, लगाना है इस तरह से करके अपने होंठों के ऊपर लाइट कलर, यानी जिनके होंठ छोटे हैं वो लाइट कलर लगाएंगे और जिनके होंठ बड़े हैं वो डार्क कलर लगाएंगे। मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ब्रशेज होते हैं डिफरेंट, जैसे कि ये एक ब्रश आता है आप इसको फिल करने के लिए, यानी ये होंठ को अंदर से फिल करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपको मिल जाता है इसमें जो है इस तरह का ब्रश, ठीक है, वो भी आप जो है वो होंठों को अंदर से फिल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह का ब्रश आता है जिसे आप फिल करते हैं होंठों की आउटलाइन बनाने के लिए। अच्छा, आउटलाइन बनाने का तरीका कार क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, फाउंडेशन, फाउंडेशन को अपने होंठों पे लगा लेना है लाजमी, ठीक है। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, अभी मेरी संडे वाले दिन जो वलीमा की ब्राइड है उनके ऊपर पूरी आपको डिटेल से बताऊंगी भी और करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने अपने लिप्स के ऊपर, समझ ले मिसाल के तौर पे ये हमारे लिप्स हैं, ठीक है, इन लिप्स के ऊपर आपने फाउंडेशन लगा लेना है, ठीक है, फाउंडेशन लगा लेना है या कंसीलर लगा लेना है, जो भी आपको चीज़ मुनासिब लगती है, ठीक है। आप जो है वो अपने होंठों के ऊपर वो लगा लेंगे, उससे क्या होगा कि जो आपकी जो आउटलाइन है ना वो आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी कि मेरी क्या आउटलाइन है, ठीक है। आपने अपने होंठों पे ये लगा लिया, ठीक है जी, पूरे होंठों पे आपने इसको लगा लेना है, ठीक है। मेरे पास इस वक्त मॉडल नहीं है तो मैं आपको पूरी कोशिश करती हूँ कि वो जो तरीका
इजीली समझ आ जाए वो मैं आपको समझाऊँ। यानी आपने सिर्फ पूरे फेस पे नहीं लगाना, आपने फेस के साथ अपने लिप्स के ऊपर भी फाउंडेशन लगा लेना है। फाउंडेशन नहीं लगाया तो कंसीलर लगा लें बाद में, ठीक है। अच्छा, अब आपका कंसीलर लग चुका है, अब आपने क्या करना है जी, आपने करना क्या है कि आपने अपने जो होंठ हैं उनके ऊपर, वन सेकेंड, एक लिप पेंसिल लेनी है, ठीक है, जिससे अब आपने अपनी शेप बनानी है। तो आपने एक एम बनाना है, एम, ठीक है, यानी एक एम की शेप देनी है, समझ रहे होंगे आप लोग। अच्छा, अगर आपको थोड़ा हो रहा है कि मुझे अपने लिप्स की शेप नहीं महसूस हो रही, आपने क्या करना है, हाइलाइटर लेना है, हाइलाइटर लेकर इस हिस्से पे जरा सा लगा देना है, आपकी लिप्स की शेप बिल्कुल आपको वाजिया नजर आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपने होठों को ना अंदर की तरफ खींच लेना है, जो नीचे वाले होंठ हैं, मीन उनमें खिंचाव आ जाएगा, आपने ये वाली लाइन बना लेनी है। उसके बाद आपने खोल के ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बना लेनी है। आपने एक लाइन दे दी है, अब आपने क्या करना है, उस लाइन को आगे जो है वो ड्रॉ करना है, मीन्स के इसी ही पेंसिल से, अब आप जब बाकायदा आपको एक शेप मिल गई है, अब आप उस लाइन से इस लाइन को मिलाकर इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, सही है जी, इस तरह से कर लेना है आपने। अच्छा, इसके अलावा ये कि आप चाह रहे हो कि मेरे जो होंठ हैं वो बड़े हैं, ठीक है, उनको मैं थोड़ा सा छोटा करूँ, तो आपने क्या करना है, इस तरह के डार्कर कलर लगा के ना उसको अंदर की तरफ शेडो देना है, और फिर लिपस्टिक लगानी है थोड़े लाइटर शेड की, उससे भी आपके होंठ जो हैं वो थोड़े छोटे दिखेंगे, ठीक है जी। तो फाउंडेशन लगाने के बाद आपने ये लगाना है, और उसके बाद आपने ये लगाने के बाद, लिप्स की शेप देने के बाद, अपने होठों में लिपस्टिक लगा लेनी है। अगर आप तो चाहते हैं कि मैंने कुछ घंटों के लिए, महज सिर्फ एक पार्टी के लिए या इस तरह से जाने के लिए लगाना है, तो आप लिपस्टिक यूज़ करें, ठीक है, फॉर पार्टी मेकअप, ठीक है, या कुछ देर के लिए लगानी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपने एक ब्राइडल को लगाना है, तो आप लिपस्टिक लगाने के बाद ऊपर मैट शेड लगाएं, दैट्स इट। इससे आपकी लिपस्टिक ख़राब नहीं होगी, दुल्हन खाएगी पिएगी कुछ भी होगा, बट लिपस्टिक अपनी जगह से 24 घंटे के लिए नहीं हटेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि ये मैं आपको बाकायदा करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये होता है कि पेपर वर्क पे हम उस तरह से चीज़ समझा तो लेते हैं, लेकिन जो है वो समझ में फिर भी बाज़ औक़ात नहीं आ रही होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो संडे वाले दिन ब्राइड तैयार होगी, उसके ऊपर मैं आपको जो है वो डिटेल से जो है वो सारी चीज़ें बता दूंगी, ठीक है। और फिर मैं आपको ये बता दूंगी कलर जो है उनको आप मिक्स एंड मैच किस तरह से कर सकते हैं, जैसे लिपस्टिक के जो शेड्स हैं, ठीक है। यहाँ मैंने पीछे करके देखा था थोड़ा सा, मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने यहाँ करके दिखाती हूँ आपको। मैंने दो शेड लिए, मैंने लिया एक ये शेड, ठीक है, और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा लाइटर शेड ले लिया, ठीक है। मैंने इन दो कलर्स को मिला लिया एक दूसरे के साथ, ये देखिए, तो एक तीसरा कलर बनकर तैयार हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो कलर दिख रहा होगा जो बना है, ये देखिए, ठीक है। यानी आप इस तरह से करके अपने अकॉर्डिंग आप मुख्तलिफ कलर्स लिपस्टिक से मिलाकर बना सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से करके आपने, मैंने आपको बता दिया कि लिपस्टिक लगती किस तरह से है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे पास अक्सर बेशतर क्लाइंट आते हैं, मैं आपको बताऊं कि उनके होंठों का क्या हाल होता है, उनके होंठों का हाल ये होता है कि उनके जो होंठ होते हैं वो बिल्कुल उनके ऊपर सूखी पपड़ी बनी हुई होती है, और बिल्कुल होंठ खराब होते हैं। तो वो आते हैं और जी होंठों का हशर निकला हुआ होता है। आपने एक तो अपनी रूटीन में ये रख लेना है कि लिप बाम जो है, ठीक है, लिप बाम जो है उसको लाजमी लाजमी की लाजमी लगाना है। ये नहीं है कि आप दुल्हन बनने जा रही हैं तो आपने 4 दिन जो है इस्तेमाल कर लिया, नहीं, लिप बाम रात को सोते हुए लाजमी लगाएं, वो नहीं है भाई, आप वैसलीन लगा दें, ठीक है, वैसलीन भी नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है जी, ऑलिव ऑयल तो होगा ना, ऑलिव ऑयल जो है वो आपने लगा लेना है, या वो भी नहीं है तो आपने क्या करना है जी, कोकोनट ऑयल लगा लेना है, ठीक है। बस इस तरह की चीज़ें आपने लगा लेनी है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाना। वैसे तो लिप्स सीरम भी आते हैं, लिप स्क्रब भी आते हैं, बट वो बहुत डिटेल में चला जाता है, आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है। आप बस ये चीज़ें लगा के अपनी स्किन का जो है वो ख्याल रखें, ठीक है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, डिहाइड्रेशन ना हो। और जैसे अभी रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, उसके बाद फिर फंक्शंस होते हैं, शादियां वगैरह, ईद आती है, तो बस इस चीज़ का ख्याल करें, आपके लिप्स बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि, इसी तरह से अगर आपके पास कोई ब्राइड या कोई क्लाइंट आता है और उसके लिप्स आपको लग रहा है कि ख़राब है उस वक्त, आप बेस वगैरह बना लें और उसके लिप्स पर लिप बाम लगा दें या वैसलीन लगा के छोड़ दें, ठीक है। बाद में टिश्यू से उसको साफ़ कर लें, और उसके बाद जी आप लिपस्टिक लगाइएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अच्छा, जब आप फाउंडेशन लगाएंगे अपने लिप्स पे, उसके बाद आपने पाउडर ज़रूर लगाना है, फाउंडेशन लगाने के बाद, क्योंकि गीला होता है, लूज पाउडर आपने लाजमी लगाना है। वो लगाने के बाद आपने फिर इसी तरह से अपने इसको शेप देनी है,
इन वाले नीचे वाले होंठों को थोड़ा सा भींच देना है तो आपको एक लाइन नजर आना शुरू हो जाएगी। उसके ऊपर आप लिप पे लाइन बना लीजिएगा, उसके बाद खोल के यहाँ साइडों पे, और ऊपर मैंने आपको बताया कि आपने एम बनाना है, ठीक है ना। एम बनाने के बाद आपने शेप देनी है अपने होंठों को, और इस तरह से करके मैंने आपको पूरा एक मेथड समझा दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी समझाई हुई चीज़ें जो है वो आपको इजीली समझ आ रही होंगी। और ये आज जो है हमारी 8 क्लास डली थी। अब इसके अलावा जो है वो मैं आपको ट्यूटोरियल भी एक आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इंशाल्लाह कल तक वो भी डाल दूंगी, वो एजड फेस के लिए, ठीक है ना, यानी 40+ या 45+ के बाद की जो एज है उसके लिए वो किस तरह से रहेगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट लाजमी करके बताएं, और अपने दोस्त अहबाब सबके साथ शेयर करें, आपकी तरफ से प्यार होता है, ठीक है जी। और कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे जो है वो लाजमी आप कहें, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। मैं बैठी हुई इसलिए हूँ कि आपको चीज़ें बताऊँ, ठीक है। तो बस इतना आपसे कहना था कि मोहब्बत प्यार देते रहें, बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट करते हैं तो भी दिल बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है जी। और इंशाल्लाह अब जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी जनाबे अली जी हमारे फेस के अकॉर्डिंग, हमें जो है वो ब्लश किस तरह से लगाना है और किस किस स्किन पे कौन कौन सा ब्लश चलता है, कूल टोन वार्म टोन को लेकर हम वो करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे क्लासेस चलती जाएंगी, और साथ साथ मैं आपके साथ ट्यूटोरियल भी शेयर करती रहूँगी। जजाक अल्लाह खैर, शुक्रिया।